अस्सलाम वालेकुम फिस फिलहाल हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मुशाहिद और आज की वीडियो में हम सेल फंक्शन डिस्कस करने लगे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल के स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, लिंक आपको ऊपर शो होगा। आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो, बट एज वेल मैं आपको हल्का सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये बहुत सिंपल सेल हैं, सो जो बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं वो इस सेल्स में आ जाते हैं। दूसरी टाइप यूकैरियोटिक सेल है, ये थोड़े कम्प्लेक्स सेल हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एल्जल वायरस है, सारे यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। अब सेल फंक्शंस का मतलब क्या है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टोमिक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सारे मिल के मेरी लाइफ को सर्वाइव करें, इनकी वजह से मैं सर्वाइव करूँ। इस तरह जो ये सेल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल्स की जितनी ऑर्गेनेल्स हैं हर किसी के डिफरेंट फंक्शन है, हम उन्हीं को डिस्कस करने लगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखें, जो जैसे हमारा अंदर जो लिक्विड है वो ब्लड है, इसी तरह जो सेल हैं उनके अंदर जो लिक्विड है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म में फिर जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म की जो बाउंड्री है वो कौन डिफाइन करते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं क्या क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स एक्सटर्नल बॉडी ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म के बाहर होती है ये। दिस वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स, ये वॉल इनसे मिलकर बनी होती है। इसके फंक्शंस क्या है, इट ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को ट्रांसफर करती है। सेकेंड फंक्शन है डिफरेंशिएबली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ें अपने अंदर पास कर देती है, कुछ नहीं करती, यानी कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी करती है। मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन जब थिक या थिन हो जाते हैं उसे मैनेज करती है। फोर्थ, इट एग्जिबिट्स फिनोमेना ऑफ एंडोकाइटोसिस, ये एंडोकाइटोसिस का फिनोमेना करती है। वो होता है कि मेम्ब्रेन अंदर से, क्योंकि सॉलिड नहीं होती है ना, सेमी सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, अंदर से ना मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, जिसे कहते हैं एंडोकाइटोसिस। इसके अलावा ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स करते हैं, मतलब आप गर्म चीज़ पे हाथ लगे फौरन आप ऐसे पीछे हो जाएंगे। ये जो नर्व ट्रांसमिशन हुई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया जो अंदर लिक्विड होता है सेल का वो साइटोप्लाज्म है। इट इज थिक सोल्यूशन डेट फिल्स ईच सेल एंड इनक्लोज बाई सेल मेम्ब्रेन, कंपोज ऑफ वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड पूल ऑफ साइटोप्लाज्म। खुद लिक्विड है लेकिन इसमें ऑर्गेनेल्स में। इसके फंक्शंस क्या हैं, एक्ट्स एज स्टोरेज हाउस, क्योंकि सारे रिएक्शन इसमें होते हैं तो ये स्टोरेज हाउस है। प्लेस फॉर मेटाबोलिक प्रोसेसेस, तमाम मेटाबोलिक प्रोसेस इसमें होते हैं। मेटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का अमल। आप एप्पल खाते हैं, फूड है, एनर्जी आप हासिल बन जाती है, तो ये मेटाबोलिक प्रोसेस है। कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, थर्ड फंक्शन है। फोर्थ है कंटेन्स स्ट्रीम मूवमेंट्स, अब जितनी भी ऑर्गेनेल्स अंदर मूवमेंट करेंगे ना इसलिए कहते हैं स्ट्रीम मूवमेंट्स। जिस तरह इंसान में सबसे मेन जो रोल है वो दिमाग का है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह सेल का जो सबसे अहम ऑर्गन है वो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे उनकी ग्रोथ हो, चाहे उनकी प्रोडक्शन हो, चाहे उनकी हेरिडिटी प्रॉपर्टीज़ हो। देखिए, न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट दी एक्टिविटीज ऑफ द सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कैरी द जीन्स एंड स्ट्रक्चर डेट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। It was discovered in 1831 and it is darker than surrounding cytoplasm. मतलब ये डार्क होता है साइटोप्लाज्म में। फंक्शंस क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, चाहे वो सेल ग्रोथ हो या सेल मेटाबोलिज्म हो। इट्स ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करेक्टर, जो मतलब औलाद में एज इट पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। थ्री टाइप्स ऑफ आर एन एस, एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर एन ए आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो ऑर्गेनेल, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। ये करते हैं कि ये केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, उस केमिकल एनर्जी से फिर आगे ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं जो सेल में होते हैं। फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट जनरेट्स केमिकल एनर्जी टू एग्जीक्यूट बायोकेमिकल रिएक्शन। सेकेंड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्ड इन एटीपी, जो ये एनर्जी पैदा कर लेती है ना तो फिर इसका अपना यूनिट होता है एटीपी, उसमें स्टोर कर लेती है। इट ओनली एग्जिस्ट इन यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है।
फंक्शंस क्या है इसके? इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट. सेकंड है स्टोर्ड एनर्जी रिलीज एंड ट्रांसफर टू अदर डेस्टिनेशन. थर्ड पॉइंट है एनर्जी ट्रांसफर स्टोर्ड इन एटीपी. एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल ऑन डिमांड. मतलब जहां भी एनर्जियां बन जाएंगी एटीपी में स्टोर्ड हो जाएंगी, फिर जहां इसने भेजना होगा एनर्जी वहां सेंड कर देते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन गई है, लेकिन अब एनर्जी को एक जगह से दो जगह ट्रांसफर भी करना है, तो उसके लिए गोल्गी ऑपरेटर्स आ जाते हैं. ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन करते हैं एक पॉइंट से दूसरे जगह. इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड मोस्टली इन यूकेरियोटिक सेल. सेकंड पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटीन विद इन और विदाउट द सेल टू स्पेसिफिक लोकेशन. थर्ड पॉइंट है फर्स्ट ही प्रोटीन पैकेजेस आर स्टोर्ड इन वेसिकल्स. जो पहले प्रोटीन होते हैं ना गोल्जी, उन्हें अपने उनकी गोल्जी की वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी पहले वेसिकल्स में स्टोर करते हैं फिर उन्हें डिफरेंट जगहों पे भेजते हैं. फर्स्ट स्टोर्ड इन वेसिकल देन सेंड टू सिक्रेशन. सिक्रेशन का मतलब है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, प्रोड्यूस और डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब किस जगह भेज रहे हैं. इसके फंक्शन क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स के? दे ट्रांसफर मॉडिफाई एंड पैकेजेस प्रोटीन इन वेसिकल्स फॉर टारगेट डेस्टिनेशन. दे ट्रांसफर मॉडिफाई एंड पैकेजेस लिपिड्स इन विस्कल्स फॉर टारगेटेड पोजिशन. थर्ड है इट इज इन्वॉल्व इन सेंथिसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइजोसोम्स. ये इन सब की प्रोटेक्शन में यूज होता है. और है इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल. वैक्यूल्स आगे पढ़ेंगे क्या होता है. लाइजोसोम भी सेल के एक ऑर्गेनेली है जो सेल डिविजन में हेल्प आउट करती है. इट इज मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनेली डेट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर ब्रेकिंग डाउन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट. में माइक्रो मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, मतलब उसे डाइजेस्ट करना. इट आल्सो हेल्प्स इन इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया. आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना ये लाइजोसोम डिफाइन कर रही होती है. ये जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने आपका जिस्म बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट अच्छी फाइट कर सकते हैं. इसके फंक्शंस क्या हैं? ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स. अब वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, कुछ भी हो सकता है. रिपेयरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज है तो उसे भी रिपेयर कर दें, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ये काम है. थर्ड है रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरन सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया वायरसेस ईटीसी. जो फॉरन सब्सटेंस उसके साथ अटैक करती है. सेल्स में राइबोसोम्स भी होते हैं जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. ये भी एक ऑर्गेनेली है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है. आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स मशीन्स फाउंड विद इन ऑल लिविंग सेल्स दैट परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री एंड प्रिपेयर पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए. फंक्शंस क्या हैं? प्रोटीन फैक्ट्री है. सेकंड फंक्शन है ट्रांसलेट द इनकोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. थर्ड है ये पेप्टाइड्स बनाता है. फोर्थ है ये पॉलीपेप्टाइड्स. फोर्थ है ये प्रोटीन्स भी बनाता है. एंडोप्लास्टिक रेक्टुलम ये भी एक ऑर्गेनेली है, यह भी सेल में है. इसे समझने के पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी सिस्टर ने वो कह रहे. देखिए हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म में अगर खून एक जगह से दूसरे का ब्लड ट्रांसफर हो तो वो वेन्स के थ्रू होता है. इसी तरह जो ये सेल होते हैं उनमें भी एक किस्म का वेन सिस्टम बिछा होता है, वेन्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं. इन्हें आप सिस्टर ने कहते हैं. ये एक्चुअली मेम्ब्रेन है जिन्हें मैं वेन्स कह रहा हूँ. ये एक्चुअली मेम्ब्रेन है सिस्टर ने. ये बड़ी बड़ी होती है, ये कंटिन्यूस मैनर में होते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ट्रांसफर करती है. जो ये एंडोप्लास्टिक रेक्टुलम है इनका फंक्शन उन मेम्ब्रेन्स यानी कि उन सिस्टर्ने के साथ होता है. ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. इस कंटिन्यूस मेम्ब्रेन डेट फॉर्म सिस्टर्ने विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल. सिस्टर्ने स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. सैक्स कहते हैं होलो स्पेस को कहते हैं. और फ्लैटेड सीधी मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मतलब इस तरह ये मेम्ब्रेन होते हैं, इनका जाल होता है. थर्ड है कंटिन्यूस मेम्ब्रेन में बी कंपोज ऑफ स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन. फोर्थ है इसकी दो टाइप्स होते हैं. कुछ को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टुलम और कुछ होते हैं रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टुलम. जो रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टुलम होती हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं. फंक्शंस क्या हैं? इट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ सेल एंड कंटिन्यूस मेम्ब्रेन नोन एज सिस्टर्ने इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग मटेरियल. आपसे कहा था एक जगह दूसरे को ट्रांसफर करती है. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल. थर्ड है मैकेनिकल मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन विद इन सेल. फोर्थ है रफ ER is used in protein synthesis. Fifth, proteins are temporarily stored in it. Sixth, it helps in detoxification of drugs. Seventh, it helps in transmission of nerve cells.
वैक्यूल्स भी एक ऑर्गेनेल है, ये एनिमल और प्लांट के सेल में पाए जाते हैं, इन्हें स्टोरेज बबल्स कहा जाता है। ये क्योंकि ये कभी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, कभी वेस्ट स्टोर कर लेते हैं, लेकिन प्लांट के लिए बहुत अहम है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल, दे माइट स्टोर फूड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट सर्वाइवल, दे इवन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स सो रेस्ट ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेस्ट। फंक्शंस क्या है, इट एक्सपैंड प्लांट सेल बट इट डोंट डिल्यूट इट्स साइटोप्लाज्म। सेल एक्सपैंड हो जाएगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिल्यूट नहीं होगा। इट सेकंड, इट कैन स्टोर वाटर, सेल प्रोटेक्ट और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। थर्ड है, इट प्रोवाइड ट्रिगर सपोर्ट टू इंडिविजुअल प्लांट सेल। फोर्थ है, इट डिवेलप रिजिडिटी इन लीव्स एंड यंग प्लांट्स। सेंट्रियोल्स भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये प्रोटीन से बनी होते हैं जिनका नाम ट्यूबुलिन होता है। ये जस्ट एनिमल सेल में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। सेल डिवीजन में बहुत इनका अहम रोल है। सेल डिवीजन का क्या मतलब है, सेल ये होता है ना, जब एक सेल डिवाइड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो दोनों जो पार्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होते हैं। तो सेंट्रियोल एनी सेल एनिमल सेल में यही कहता है, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो वो दो अपने जैसे डुप्लीकेट बना लेता है और दोनों प्रॉपर्टीज अगले जो दो सेल प्रोड्यूसर हैं उनमें सेम हो जाती है। इट इज सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंड ट्यूबुलिन प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एबसेंट इन प्लांट सेल। टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर आउटर सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस। फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, ये भी एक प्रोसेस है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। फिर प्लास्टिड्स और ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, इसमें तीन कैटेगरीज हैं, कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कुछ लीकोप्लास्ट होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपका हेल्प आउट करते थे कि पौधे अपनी सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं, इनके सूरज की रोशनी से अपने शुगर बनाते हैं जो उसे बाद में यूटिलाइज करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जो सन की लाइट एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी यानी कि प्लांट की शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्रोमोप्लास्ट होते हैं, अब देखें कुछ पौधे क्या कई पौधे होते हैं जिनका रंग अदर देन ग्रीन होता है, तो ये वो क्रोमोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल्स जिन पर डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होती हैं पौधों का, डिफरेंट कलर का जो उनके पत्ते हैं रंग डिफरेंट कर देते हैं। फिर लीकोप्लास्ट आ जाते हैं, ये मोस्टली कलरलेस होते हैं, जो अंडरग्राउंड प्लांट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स के रूट्स वगैरह होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनकी शक्ल रेक्टेंगुलर और ट्यूबुलर दोनों हो सकती है। क्रोमोसोम्स भी ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं। सेल में कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स होता है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में हेरिडिटी ट्रांसफर होती है, उनकी प्रॉपर्टीज बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, उनके डॉटर्स में ट्रांसफर होती हैं, वो क्रोमोसोम्स की वजह से ही होती हैं। एनिमल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल डीएनए। जितने क्रोमोसोम होंगे मतलब उतने ही डीएनए होंगे, हर क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलकर बना होते हैं। डीएनए इन क्रोमोसोम कंटेन्स अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। फंक्शंस क्या है क्रोमोसोम्स के, डीएनए इज क्रोमोसोम्स गैदर इन्फो एंड ट्रांसफर हेरिडिटी। सेकेंड पॉइंट है, दे आर एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, रिप्लिकेशन डिवीजन एंड क्रिएशन ऑफ डॉटर सेल। एंड में जो लास्ट ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं वो डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं, और जितने भी नॉन लाइफ ऑफ अर्थ हैं उन सब में न्यूक्लिक एसिड लास्ट में पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए लास्ट में होता है। अब जो ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बने होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं एक्चुअली वो फॉस्फेट यूनिट शुगर और नाइट्रोजेनियस बेस से बने हुए हैं। अब देखें आपको स्क्रीन के ऊपर डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो डीएनए है इसका नाम डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसकी फोर बेसिस हैं एडेनिन ग्वानिन कैस्टोनिन थायमिन। जबकि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें राइबोस शुगर होती है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसकी भी फोर बेसिस हैं। आरएनए की फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जिनका नाम एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरैसिल है। ये आपने यहाँ 2 सेकंड वीडियो पास कर लेने और सारे इन दो जो आपको डिफरेंशियल समझ आ रहे हैं आपने राइट डाउन करके नोट करके लिख लेने हैं, कोई बात समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बायो मॉलिक्यूल डिस्कस करने लगे हैं, जैसे कि प्रोटीन, इंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या फंक्शन है। ये कहूँगा देखें अगर आप सीएसएसपीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अकेडमिक्स के हैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको बहुत आसानी होगी। मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।